नमस्कार दोस्तों, राघव सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हमने जो दो टॉपिक पढ़े, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उनसे संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे। और देखिएगा, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ये हमारा जो चैनल है, बहुत ही आपको उम्दा चीज़ें उपलब्ध करा रहा है। आप लोग लगातार बने रहिए। देखिए, सारे क्वेश्चन भूगोल के जितने भी आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। बस जो टॉपिक पढ़ाएं, उसको ध्यान से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, और फिर अगले दिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो उसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, उत्तरी ध्रुव, आप जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आप समझिए कि जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने के लिए है। देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है। ध्यान दीजिए, ये सत्य बात है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं, ये भी सत्य बात है। पहला ऑप्शन देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसमें आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये भी आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन बी जो है, किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। जी नहीं, ये गलत है। उस स्थान का उसे देशांतर कहा जाता है। तो बी राइट आंसर, ये गलत है इसमें, क्योंकि आपका, देखिए ध्यान से देखना है ये भी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य, इस बात को आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है। देखिए, दिन रात अवधि के बारे में ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो वो रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन रात बराबर होता है। देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, आप जानते हैं 0 डिग्री, और ये सूर्य है। तो सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं सीधी, उस समय पूरे पृथ्वी पर इसकी रेखाएं बराबर पड़ती रहती हैं। समझिएगा, बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बी हुआ, सॉरी ए हुआ, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। ध्यान से देखिए, तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है, आप जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो जो 0 डिग्री जाती है उसे भूमध्य रेखा, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये कर्क है। भूमध्य, मकर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, जी हाँ सही है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी, ये भी सही है। प्रधान यामोत्तर रेखा 180 डिग्री, ये गलत है, क्योंकि प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं कर्क रेखा। तो क्या है, आप समझ सकते हैं, अभी भी बताया कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे ही कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए ही गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहा जाता है। भूमध्य रेखा से, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, चाहे जहां उत्तर चाहे दक्षिण, दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, जो यहां से कोण बनाती है रेखा, उसे क्या कहते हैं। इसके बाद जो रेखा खींची जाती है उसे कहा जाएगा अक्षांश रेखा। ठीक है, इसका राइट आंसर है अक्षांश रेखा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, इसको देखो ध्यान रखिए, सत्य पूछ रहा है कि असत्य, तो सत्य पूछना है। तो किस पे अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हैं? तो आप जानते हैं दोनों दोनों समानांतर होती हैं? जी नहीं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा, देखते रहिए। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं? जी नहीं। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं? जी। तो देखिएगा जो ऑप्शन बी था ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसके अलावा कोई रेखा है ऐसी? ऑप्शन में देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है? जी नहीं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है? जी नहीं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक? जी नहीं, कोई अक्षांश नहीं। जी हाँ, ऑप्शन डी, कोई अक्षांश। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, चार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। देखिए ये चार देश हैं, इनसे क्वेश्चन है कि इनमें से किससे होकर मकर रेखा गुजरती है? तो हम जानते हैं कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के दो भागों में बांटती है, सही है। नामीबिया जो अफ्रीका के बगल में वहां से गुजरती है, जी हाँ सही है। चिली से भी गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, और ब्राजील से भी गुजरती है, यानी कि चारों ऑप्शन से। देखिए ये जो चार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, नामीबिया की विंडहोक, चिली की सेंटियागो और ब्राजील की ब्राजीलिया। राजधानी को भी आप करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, कम से कम 150 से 200 देशों की राजधानी हम आपको याद करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से देखिएगा। सागर के ऊपर 30 से 35 डिग्री जो उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। फिर हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। देखिएगा जो 30 से 35 डिग्री चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, इस दोनों क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में हमेशा जो है वायु दाब जो प्रेशर होता है ज़्यादा होता है। तो ये निम्न वायु दाब ये तो गलत है, लेकिन ऑप्शन ये जो ए है वो सही है, यानी कि इसका ये सही है और ये गलत है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है, इस बात को बहुत बारीकी से आपको देखना है। देशांतर रेखाओं कुल संख्या 180 है। देखिए देशांतर रेखाएं हम जानते हैं 360 होती हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। जी हाँ सही बात है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखाओं पर रेखा पर अधिकतम या ध्रुवों पर शून्य होती है, ये बात भी सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये गलत है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 को सुमेलित करना है इसमें। देखिए आप जानते हैं इसको सुमेलित करने का तरीका जो है, आप हमेशा बिना ऑप्शन को पहले देखे आप चीजों को देखिए, उसको मैच कराइए। तो देखिए जो आर्कटिक वृत्त है किसे कहा जाता है? हम जानते हैं कि जो आर्कटिक होता है, आर्कटिक वृत्त, वो 66.5 डिग्री उत्तरी होता है। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। और विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो देखेंगे इसके हिसाब से हम अब चीजों को मिलाएंगे। ठीक है, तो ए का देखेंगे 3, बी का 1, सी का 4 और डी का देखेंगे 2।
देखिए फिर से मिला देते हैं हम, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी, तो ए का 3 किस में है, देखिए ए का 3 सी में है, बी का 1, जी हाँ बी का 1 भी है, सी का अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, सी का 4 और डी का 2, सही ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए, फिर से एक बार सुमिलित करने के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, आप जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, कर्क रेखा किसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी और ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर। तो इसको ऑप्शन को फिर से देखिएगा, विषुवत रेखा अर्थात ए का 4, देखिए ए का 4 दोनों में है, बी का कर्क रेखा किसे कहेंगे, बी का एक ये भी दोनों में है, बहुत ध्यान से देखना है, सी मकर रेखा किसे कहते हैं, सी का 2, तो सी का 2 पहले वाले में मिल गया आपको, और डी का 3, तो ऑप्शन ए। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं एक बार फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसे जोन कहा जाता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा जो सिंगापुर है ये सर्वाधिक नजदीक है। नेक्स्ट, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा, अगर आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगाती है, तो 1 डिग्री का अंतर होने पर कितना समय लगेगा, 4 मिनट। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है, ध्यान से देखिएगा, देखिए आप जानते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि मकर रेखा की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा से ये जो है नहीं गुजरती, भारत से, ध्यान से देखिएगा, भारत से मकर रेखा नहीं गुजरती है, जिम्बाब्वे से भी नहीं गुजरती, ग्रीनलैंड तो उत्तर में है वहां से भी नहीं गुजरती, मालागासी से गुजरती है, 17 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, आप जानते हैं पृथ्वी को 2 भागों में जो बांटती है वह कहलाती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, प्रधान मध्यान रेखा, ध्यान से देखिएगा 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, आप जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा वो है ग्रीनविच से गुजरती है, 19 का A। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहां पे क्वेश्चन को दो साथ ले लिया है तो उसके कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती है, इस कारण से भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, वही देशांतर रेखाओं में
जो 1 डिग्री के बीच जो अंतराल होता है 111.32 किलोमीटर, वो सर्वाधिक कहाँ होता है? वो सर्वाधिक जो है विषुवत रेखा पे होता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर, देखिएगा, समझिए, विषुवत रेखा, इसके समानांतर इस तरह जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो आप जानते हैं ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? अभी जो हमने फिगर बनाया था उसको ध्यान से देखिए, ये विषुवत रेखा हो गई और ये उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव। तो इधर जो रेखाएं अगर हम जा रहे हैं दक्षिण की ओर, तो रेखाएं कैसी हो रही हैं? उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही, छोटी हो रही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए स्थिर रहता है, घटता या घटता है या बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, तो ऑप्शन बी यह घटता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर? घटती जाती है, देखिए ध्यान से, छोटी होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो जायरे है कांगो, यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कड़ी, यहीं पे आप जानते हैं जायरे नदी थी, भूमध्य रेखा को दो बार काटती भी थी और इसी पर विक्टोरिया झील भी स्थित थी भूमध्य रेखा पर। तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और चीन से गुजरती है। नेक्स्ट, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक अक्षांश की दूरी, तो आप जानते हैं लगभग 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे नाम को तो मिल जाएगा, गोरे। नेक्स्ट, दो ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसको जोड़ती जो रेखा उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रीनविच से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 30 का बी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन को।